हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लेटर सीरीज। दोस्तों, लेटर सीरीज किस तरह से हल करते हैं, आइए देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का। देखिए दोस्तों, ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ आपको, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसको काउंट कर लें अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना दोस्तों? 18। तो 18 में अपन या तो 3 × 18 बना सकते हैं या 6 × 18 बना सकते हैं। 6 × 18 बना सकते हैं और 3 × 18 भी बना सकते हैं। तो 6 × 3 का बनाए, 6 × 3 का बना सकते। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसे यहां से देखिए कि डबल सी है, ये क्या है? डबल सी। और डबल सी के पीछे क्या है? डबल बी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? इसके पीछे क्या आ रहा है? डबल बी आ रहा है। तो यहां से अगर आप इसको यहां से अगर तुल मिलाते हैं, अपन इस संख्या वर्ग मिलाते हैं, तो डबल सी की वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे डबल बी आएगा। तो डबल सी की वैल्यू डबल बी आ गया, फिर क्या आ गया? डबल ई आ गया। तो ये पेयर कैसे बन गया अपना? डबल सी डबल बी, फिर डबल ए आ रहा पीछे। यहाँ क्या है? पेयर बन गया, इसके पूरा पेयर बन गया है, ये पेयर पूरा बन गया। तो डबल ए डबल बी डबल सी। तो इसी तरह इसमें डबल ए कर सकते हैं अपन, डबल ए डबल बी डबल सी। तो वही पेयर इसमें बना सकते हैं कि ए के बाद डबल ए डबल बी डबल सी। समझ में आ रहा दोस्तों? कितने आसानी से बन गया, इसी को एक से मिलाने पे बन गया डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, और यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी। तो क्या क्या भरा था अपनों ने? एक तो अपनों ने ए भरा था, एक सी भरा, और बी और ए, बी और ए, ए सी बी ए। तो दोस्तों ए सी बी ए, ये वाला ऑप्शन सही हो गया अपना। इस तरह से ए सी बी ए अपना ऑप्शन सही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने दोस्तों? 18। अब 18 में 3 × 6 का बना सकते हैं और 6 × 3 का बना सकते हैं, या 9 × 2 = 18, 9 × 2 का बना सकते हैं, बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए इसमें भी 6 × 3 का अपन पेयर बनाएंगे। कितने? 6 × 3 का बनाएंगे, 6 के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये लास्ट में है। 1, 2, 3, 4, 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ए लास्ट में है और यहाँ पे बी लास्ट में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तुलना करते हैं कि इस ए के पहले एक और है, ए के पहले एक और है, तो इस ए के पहले एक और एक लिख सकते हैं अपन आसानी से। इसको देख के यहाँ लिख सकते हैं, एक के पहले एक और ए लिख सकते हैं। जब ए के पहले एक और ए लिख दिया तो उसके पहले क्या आ रहा? बी आ रहा है, ट्रिपल बी आ रहा है। क्या है दोस्तों? तो अपन इसके यहाँ पे भी इसको देखा देगा, यहाँ पे भी अपन बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बी नहीं है, डबल बी आ रहा है, लेकिन ये ट्रिपल बी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डबल ए के पीछे क्या है? बी आ रहा है, तो डबल बी हो गया। ठीक है, अब और इधर से देखते हैं कि डबल बी के पीछे ए आ रहा है, इसके पीछे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। दो बी के पीछे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यह 3 बी के पीछे अपन ए भी भर सकते हैं, ए भी अपन भर सकते हैं। दोस्तों यहां देखिए आप, अब ये पेयर कैसे बना कि यहाँ ए ट्रिपल बी फिर ए। अब यहां पे जो ए ए है ये कितने? अगर यू देखे, अगर यू देखे अपन, तो ये 2a 2b फिर 2a। फिर यहां से अगर देखें, अगर 2a 2b 2a हो गया, फिर a 2a 2b, लेकिन a को अगर देखे तो a 3 हो गया। यहां पे a 3 कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। फिर b भी 3 हो गया, फिर b 3 हो गया, बाद a कितना हो गया? 1 2 3 4 ए हो गया। तो बी भी यहां पे 4 कर देंगे अपन, यानी ए 2 बार फिर बी 2 बार,
फिर ए तीन बार, बी तीन बार, फिर ए चार बार और बी भी चार बार। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन भरा अपनों ने? बी ए ए बी, ए बी कौन सा ऑप्शन? बी ए ए बी, बी ए ए बी, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी। देखिए इसमें देखते हैं, काउंट करें फटाफट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो बारह, बारह में चार इंटू तीन कर सकते अपन। देखिए एक दो तीन चार एन बी, एक दो तीन चार एन बी, एक दो तीन चार एन बी, है ना। देखिए बी लास्ट में, अगर इस बी से अपन मिलान करें कि बी के पीछे डबल सी है, बी के पीछे क्या रहे डबल सी, तो इस बी के पीछे अगर यहाँ सी लिखने से डबल सी हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें अपन इस बी के पीछे डबल सी है, तो इस बी के पीछे अगर यहाँ सी लिखने से डबल सी हो जाएगा, आसानी से मिल रहा है। अगर इस बी के पीछे भी अगर यहाँ सी लिख दें तो बी के पीछे डबल सी, ये भी मिल रहा है। बी के पीछे डबल सी मिल रहा है आसानी से, बी के पीछे डबल सी, बी के पीछे डबल सी, फिर क्या हो गया यहाँ पे? बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया, बी बी लिखा हुआ है इसलिए पेयर बन गया बी डबल सी बी। तो अपन यहाँ बड़ी आसानी से बी डबल सी बी बन सकते हैं, और यहाँ पे बी डबल सी बी बन सकते हैं, बना सकते हैं, एक को देखे दूसरे को अपन लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखा दोस्तों, देखिए पहले सी लिखा, फिर बी सी बी, फिर बी सी बी, तो सी बी सी बी, सी बी सी बी पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी बी सी बी पहला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां से देखिए दोस्तों, इसको काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। सोलह भाई चार इंटू चार का बनेगा, कितना बेरा बनेगा? चार इंटू चार, देखिए इसको गिनते हैं पे। अब एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। देखिए दोस्तों यहां देखिए आप, यहां देखिए दोस्तों किस पेयर से अपन मिलाने पे क्या बनेगा। देखिए दोस्तों यहां पे इस ए के पहले बी है, ए के पहले क्या दिख रहा है? बी। अगर यहां ए लिखने से पहले बी हो जाएगा, अगर यहां ए लिखने पहले क्या हो जाएगा? बी। अगर इससे इसको मिलाएंगे तो ए के पहले बी, यानी ए के पहले बी, ये पेयर अपना बन रहा है कि ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, फिर बी डबल ए। अब इसमें देख रही है दोस्तों, देखिए अगर वो देखते हैं ए बी, अब ए बी पीएन डबल बी के बाद ए, ए डबल बी ए, अब यहां देखते हैं बी डबल ए, अगर ए डबल बी ए तो बी डबल ए बी भी हो सकता है, ए फिर डबल बी ए और बी डबल ए ए बी। दोस्तों इस पेयर से ये पेयर मिल रहा था, वो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी और ए डबल बी ए, ए डबल बी ए। इस पेयर से ये पेयर मिल रहा है, इस पेयर से ये मिल रहा है और इस पेयर से ये मिल रहा है। अब क्या क्या बना दोस्तों, देखिए ए बी बी ए, ए बी बी ए, तो ए बी बी ए कहाँ मिलेगा? ए बी बी ए पहला ऑप्शन सही है, ए बी बी ए। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और नीचे लाल रंग का बटन देखकर उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।